जियोगे बढ़ोगे जैसे स्लोगन के साथ सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है और दूरांचल से बच्चे पढ़ने भी आते हैं, लेकिन जब रहने को छात्रावास ही ना हो तो शिक्षा ग्रहण करें तो कैसे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतागढ़ ब्लॉक के कोलर की, जहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल तो है और पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी भरपूर है, मगर पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए एक भी कन्या छात्रावास मौजूद नहीं है। कोलर हाई सेकेंडरी स्कूल में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या अधिक है, जहां दूरांचल क्षेत्र से लड़कियां शिक्षा ग्रहण करने तो आती है मगर दिक्कतों का सामना करके, क्योंकि यहां एक भी कन्या छात्रावास मौजूद नहीं है। नक्सलवाद क्षेत्र होने के बाद भी अगर ये छात्रा निकल कर शिक्षा ग्रहण करती है तो ये सरकार की कामयाबी है, मगर प्रशासनिक अधिकारी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की लापरवाही के चलते कहीं भविष्य में यह संख्या कम न हो जाए। कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आती हैं, जो किसी चुनौती से कम नहीं है। इस बरसात के मौसम में नदी पार कर शिक्षा के मंदिर पहुँचती है और अगर नदी में बाढ़ आ जाए या जल स्तर बढ़ता है तो रात स्कूल परिसर में ही काटो। ये चुनौती छात्राओं के साथ स्कूल प्रबंधन की भी होती है। ग्रामीणों के साथ सरपंच से जब हमने गर्ल छात्रावास न होने का कारण जाना तो ग्रामीणों के साथ सरपंच का कहना था कि मांग कर करके थक गए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कलेक्टर से लेकर जनप्रतिनिधि तक आवेदन लेकर पहुंचे, आश्वासन तो मिला मगर जमीन पर छात्रावास का निर्माण नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना था कि ये वही स्कूल है जहां से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, भूतपूर्व विधायक और पूर्व सांसद और पूर्व वन मंत्री, बस्तर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष विक्रम देव उसेंडी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा यहीं ग्रहण की। उनको भी हमने कई बार आवेदन दिए मगर उन्होंने भी आश्वासन दिया, मगर एक गर्ल्स छात्रावास का निर्माण नहीं हुआ। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 7-8 किलोमीटर। तो क्या परेशानी होता है आप लोगों को आने जाने? बाहर के बरसात के समय में आने जाने में तकलीफ होती है। अगर बाढ़ आ जाती है तो हमारी पढ़ाई में नुकसान होती है और हम पढ़ाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे छात्रावास नहीं है आप लोगों के रहने के लिए? कोई साधन नहीं है रहने के लिए। तो कैसे आप रहने के लिए कैसे करते हो कि आप लोग रोज आना जाना करते हैं? जी, कभी कभी तकलीफ भी होती है आने जाने के लिए। अगर आ जाते हैं और बाढ़ आ गई तो सर लोग गाड़ी के साधन से हमें पहुँचा देते हैं। मतलब यहाँ पे छात्रावास नहीं है? यानी नहीं, यानी छात्राओं के लिए जो लड़कियां हैं उनके लिए कोई छात्रावास नहीं है और लड़कों के लिए छात्रावास है यहाँ पे? जी। मतलब आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? यहाँ बच्चों के लिए ज़्यादा मतलब के कन्याओं के लिए तकलीफ है, जो कि नदी पार के आते हैं, आने से इधर बाढ़ आज न जाने से उनको वापस जाने के लिए दिक्कत हो जाता है, तो सर लोग उन लोग को गाड़ी व्यवस्था करके पहुँचा देते हैं। आप लोग क्या मांग चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं सरकार? यहाँ कन्या छात्रावास खोलने के लिए मांग कर रहे हैं। इसके लिए आप किसी को आवेदन किए, किसी को आपने अवगत कराया? पहले सरकार को कई बार आवेदन किए हैं और जब यहाँ कलेक्टर आई थी उसको भी अवगत कराए थे। क्या बोलना था उनका? उनका ठीक होगा, कर देंगे बोले थे। कितने समय पहले किए थे आपने आवेदन दिया था? 2016 करीब यहीं पर आई थी। अच्छा, 2-3 साल गुजर गए, कोई वो नहीं हुआ। विधायक सांसद जी को अवगत कराया आपने? ना, पहले तो मतलब सांसद को अवगत कराए थे, पहले के विधायक भी किए थे मगर अभी तो नहीं किए हैं अभी तक। इस ग्राम पंचायत कोलर से कि युवा ग्रामीण बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा जो छात्रवास, कन्या छात्रवास की समस्या है वो विगत कई वर्षों से चल रहा है और इस छात्रावास की समस्या को आज तक के कोई अधिकारी, ना प्रशासनिक अधिकारी, ना शासन, कोई भी आज तक के हल नहीं कर पाया। इसके लिए हमने बहुत सारे आवेदन कलेक्टर को दिए हैं, कमिश्नर को दिए हैं, प्लस शासन जो चल रही है पिछले शासन में जो थे उनको भी हम अवगत करवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी समस्या होने के बाद भी आज तक के शासन प्रशासन किसी टाइप की कोई कन्याओं के लिए व्यवस्था नहीं करा पा रही है। और कन्या जो बहसालेभाट, जैतपुरी, डांगरा, पुलपार, इतने सारे जगहों से पढ़ने आते हैं उनको वापसी में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कभी कभी अचानक बाढ़ आ जाती है तो शिक्षक लोग अपनी व्यवस्था में उनको गाड़ी में अपने उनके निवास स्थान तक छोड़ते हैं और प्रशासनिक को इतने बार अवगत करवाने के बाद भी आज तक की इस समस्या का निदान नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन इसके लिए जिम्मेदार है, मैं मानता हूँ। मैं ग्राम कोलर से बोल रहा हूँ। वर्तमान में यहाँ की दर्ज संख्या बालक 120, बालिका 140 है सर,
स्कूल 260, उसके लिए अभी पहले जानकारी दिया गया है कि छात्रावास की अति आवश्यकता है, क्योंकि नज़दीक में बाढ़ है मेढ़की नदी का, आने जाने में परेशानी होती है बालिकाओं के लिए ज़्यादा। जी सर, अगर बाढ़ आ जाती होगी, जैसे छात्राएं यहाँ पहुँच जाती होंगी, तो फिर कैसे व्यवस्था की जाती है उन बच्चों के लिए, क्या किया जाता है बच्चों को? जैसे बाढ़ आ जाने से उनको कुछ साधन करके उनके घर तक पहुँचाया जाता है। कितने किलोमीटर की दूरी पड़ जाती होगी इधर से? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर करीब। द्वारा तो करीबन पिछले सरकार में कई दफ़े शासन प्रशासन, हमारे विधायक, संसद, मंत्री, यहाँ तक कि पूरा मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने ग्रामवासियों की तरफ से आवेदन दे चुके, परंतु हमारे आवेदन के ऊपर किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया। ये सही है कि हमारे यहाँ छात्रावास, बालिका छात्रावास होना ज़रूरी है, क्योंकि नदी नाला पार करके आते हैं और बाढ़ के दिन में उनको जाने में बहुत ही तकलीफ होता है। उस स्थिति में हमारे स्कूल के टीचर लोग जो हैं गाड़ी करके 20 किलोमीटर पहुंचा देते हैं। कहीं ना कहीं आप सरपंच हैं, आप स्कूल प्रबंधन से बात करके आप वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है आपके द्वारा, आपने ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं करवाई? क्योंकि आप वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक तो हम लोग नहीं करवाए, क्योंकि हमारे पास उतना सुविधा भी नहीं है, क्योंकि भवन रहता तो एक लिए हो जाता, परंतु अभी भी यदि शासन छात्रावास खोलने के लिए तैयार है तो वैकल्पिक व्यवस्था हम करने के लिए भी तैयार हैं। हमारे